हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मदर सन सुमी सिस्टम के बारे में। यहाँ पे दो तगड़ी खबर निकल करके आ रही है और यहाँ पे एक जो खबर है वो तो एकदम लेटेस्ट है, आज की है। तो इसी खबर के चलते मुझे लगता है कल सोमवार को मदर सन सुमी में हमें बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम देखना चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे दोनों खबरों के बारे में और इसके साथ साथ यहाँ पे खबरों का असर शेयर प्राइस पर क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। और यहाँ पे अभी नतीजे नहीं आए मदर सुमी के, तो नतीजों के पहले भी आपको यहाँ पे बाइंग का बढ़िया मौका है जिस तरह के ऊपर के लेवल से गिरावट हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे कहाँ से बाइंग स्टार्ट करनी है, कहाँ पे ऐसे लगाना है और कहाँ पे टारगेट आप ले सकते हो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, उन सभी चीज़ों का यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि फ्राइडे को क्लोजिंग कहाँ रही थी मदर सन सुमी की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 214.90 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई थी, 4.5 रुपये हालांकि डाउन, 2% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। गिरावट का कारण जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो पहले हम दोनों खबरों को यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके बाद यहाँ पे चार्ट पे जाके एनालिसिस करेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट खबर निकल करके आ रही है एकदम पक्की खबर है दोस्तों, मदरसन ग्रुप कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ मेजोरिटी स्टेक इन टर्की प्लास्टमेट ग्रुप। तो दोस्तों तुर्की का एक प्लांट है प्लास्टमेट ग्रुप का, उसको यहाँ पे पूरी तरह से मेजोरिटी स्टेक यहाँ पे एक्वायर कर लिया है यहाँ पे मदरसन सुमी ने। तो यहाँ पे एक्विजिशन के पीछे का रीजन क्या है वो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। ऑटो कंपोनेंट मेजर मदरसन ग्रुप हैज फ्राइडे सेड इट हैज कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ मेजोरिटी स्टेक इन टर्की प्लास्टमेट ग्रुप एज की सप्लायर ऑफ प्लास्टिक मॉड्यूल पार्ट्स रिलेटेड द सब असेंबलीज एंड इंजेक्शन मोल्डिंग टूल। तो दोस्तों आपको मदरसन सुमी के बारे में पता होगा कि ऑटो मोबाइल की सप्लायर नॉर्मली काम करते हैं, काफी उसके कस्टमर है बड़े बड़े जो कि ओईएम से वो। तो यहाँ पे उसने जो यहाँ पे जो तुर्की का एक प्लांट था प्लास्टमेट ग्रुप का, उसको यहाँ पे एक्वायर करके उन्होंने अपना जो बिजनेस का पोर्टफोलियो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई किया है। क्योंकि ये प्लास्टमेट ग्रुप क्या बनाती थी, प्लास्टिक मॉड्यूल पार्ट बनाती थी और इंजेक्शन मॉड्यूल में काम करती थी जिसमें यहाँ पे मदरसन सुमी का एक्सपोजर कम है। और स्पेशली बात है तुर्की में है तो कहीं ना कहीं यूरोप साइड उनका जो बिजनेस है वो उनको करने का बढ़िया मौका यहाँ से हासिल होगा, ऐसा मदरसन सुमी ने बताया है। दोस्तों इस ट्रांजेक्शन के पीछे यहाँ पे ये भी है कि अगर आप यूरोप में या तो फिर ऐसे एरिया में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हो जहां आपकी पकड़ कम है, तो आप ऐसी कंपनी को पकड़ो, ऐसी कंपनी को एक्वायर करो जो वहां पे ऑलरेडी मार्केट लीडर के आसपास है, ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, उसको आप एक्वायर करोगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली उस प्रदेश में, मैं यहां पे बात कर रहा हूं तुर्की मतलब कि यहां पे यूरोप साइड, उनका बिजनेस अच्छा चलने वाला है। क्योंकि यहां पे जो ग्रुप था प्लास्टमेट ग्रुप वो उनका वहां पे बढ़िया बिजनेस सेटअप था और यहां पे मदरसन सुमी ने, मदरसन ग्रुप ने इनको एक्वायर करके इंजेक्शन मोल्डिंग और यहां पे प्लास्ट मोल्ड में यहां पे अपना बिजनेस तो किया ही किया है, साथ ही साथ यूरोप में भी अपना फुटप्रिंट दाखिल किया है, ऐसा यहां पे मदरसन सुमी के मैनेजमेंट ने बताया है जिनका नाम है विवेक चंद सेगल जो कि मदरसन सुमी के चेयरमैन है। तो अपने पे बहुत बढ़िया खबर है, मुझे लगता है इस खबर का पूरा पूरा पॉजिटिव असर हमें कल देखना चाहिए मंडे को। तो आपको यहाँ पे पूरी अपनी नजर गड़ा के रखनी है मदरसन सुमी में। तो दोस्तों दूसरी एक और खबर थी जिसके बारे में भी मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूंगा, मदरसन सुमी रिस्ट्रक्चरिंग गेट्स शेयर होल्डर अप्रूव नोड। तो यहाँ पे मदरसन सुमी ने रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान किया था इसके चलते यहाँ पे उनको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए थी। तो नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग, उसमें प्रमोटर की होल्डिंग काउंट नहीं होती, मतलब नॉन प्रमोटर होल्डिंग है उसमें से इनको 99.4% का वोटेज मिला, मतलब कि मेजोरिटी यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है उनका इसको नोड मिला है। यहाँ पे मदरसन सुमी रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करना चाहती है, क्योंकि अपना वो बिजनेस है उसको थोड़ा सा सेट करना चाहती है, यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी थोड़ा बहुत चेंज करना चाहती है ताकि वो अपना बिजनेस और आगे बेहतर तरीके से कर सके। और इसका यहाँ पे इनके ऊपर यहाँ पे शेयर होल्डर का पूरा पूरा अप्रूवल है। मुझे लगता है मदरसन सुमी के लिए दोनों खबरें यहाँ पे पॉजिटिवली साबित हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है मदरसन सुमी का शेयर अगर आप बाय करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, मैं ज्यादातर इसको प्रीफर करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें अच्छा खासा आपको पैसा बनाता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले आपको चार्ट पे, वीकली चार्ट पे लेके आया हूं, यहाँ पे देखे कि बड़ी गिरावट देखने को मिली थी 2018 के पास, वो 260 का बनाया हुआ था। उसके बाद दोस्तों गिरावट देखिए इतनी इंटेंसिफाई थी कि मार्च में यहाँ पे 2020 में उसने 48 रुपए का लो बनाया था। वुड यू बिलीव दिस,
260 रुपये का स्टॉक 48 रुपये का लो बनाता है। यहाँ पे बढ़िया मौका था बाइंग करने का। अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग करी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि यहाँ पे उसने एकदम परफेक्ट रेंज में बाइंग करी है। और उसके बाद जो मदरसन जूमी का शेयर भागा है दोस्तों, एकदम रॉकेट की तरह यहाँ पे उठता हुआ नजर आ रहा है। 238 का हाल फिलहाल में यहाँ बनाया था। मैं थोड़ा जूम करना चाहूंगा ताकि अभी आपको मैं थोड़े लेवल टारगेट जो कि अभी आसपास के है वो अच्छी तरह से बता सकूं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा और जूम करना चाहूंगा कि 238 के आसपास का हाई बनाने के बाद गिरावट का माहौल चल रहा था और यहाँ पे हाल फिलहाल में 188-187 के पास संभल करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 224 का मुझे लगता है इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उसको क्लोज कर लेता है तो 238 फिर से आएगा और उसके बाद ऑल टाइम हाई 260 तक भी जा सकता है जब यहाँ पे इनके रिजल्ट आएंगे। मुझे लगता है अगर आपको बाय करनी है तो 200 के आसपास थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो करिए, या तो फिर 225 के ऊपर करिए। आपके लिए फिर टारगेट 238 और 260 आप ले सकते हो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लेकर के। बाकी 187 के पास भी जो अगर मार्केट में कुछ उल्टा सीधा हो गया और गिरावट आई तो 187 के आसपास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। तो हाल फिलहाल में तो मुझे इसके नीचे जाता हुआ मदरसन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो आई होप कि आप यहाँ पे लेवल को स्टडी करेंगे और अपने स्टडी के बेस के अनुसार ही यहाँ पे कोई डिसीजन लेंगे। मैं आपको जाते जाते कारोबार की फ्राइडे को कैसी डिटेल रही थी उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखें मदरसन सुमी सिस्टम 215 रुपये के आसपास क्लोजिंग है, 2% की गिरावट। हाई 222 रुपये के आसपास, लो 214 रुपये के आसपास। क्वांटिटी की बात करें 81,71,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 27,61,000 शेयर की डिलीवरी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 33.80 है। तो यहाँ पे कारोबार अपने आप में डिसेंट मुझे देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए और अगर आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मेरी तरफ से लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।